इधर महागठबंधन की अगर बात करें तो गीता के बाद अब सीता भी, तो महागठबंधन के लिए कितना चुनौती भरा होगा उनके लिए लोकसभा चुनाव में, ये कितनी मुश्किलें और क्या मैसेज वोटर्स के बीच आ रहा है? देखिए, ये मैसेज जो है वोटर्स के बीच जो जा रहा है, जो खास करके जेएमएम के समर्थक हैं, जो इंडी गठबंधन के समर्थक हैं, उनके लिए ये निराशाजनक है, क्योंकि जब गीता कोड़ा जाती हैं तो वो सिंहभूम सीट से जाती हैं जो कि जेएमएम और कांग्रेस का गढ़ कहा जा रहा था, और वहाँ पर जो 6 विधानसभाएँ उन सभी पर जो है इंडी गठबंधन का ही कब्जा है। और तो इस परिस्थिति में जब गीता कोड़ा गई तो उसका एक नुकसान जो है वो इंडी गठबंधन को झेलना ही पड़ा है, और अब सीता सोरेन का निकलना पार्टी से और सभी पदों से इस्तीफा देना, पार्टी से इस्तीफा देना, तो ये बहुत बड़ा झटका है जेएमएम के लिए, और इससे उबरना जो है जेएमएम को आसान नहीं होगा। और एक संदेश जो कि समर्थक वर्ग है उनके पास भी जा रहा है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि जो भी है वो निकलकर जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो वजह होगी। तो एक संदेह के बादल जो है वो सभी के मन में शंका जो है वो उत्पन्न होती है कि आखिर बात क्या है और क्यों ऐसा हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जहां तक मैसेज जाने की बात है, ये इंडी गठबंधन के लिए सही मैसेज नहीं जा रहा, और सीता सोरेन का निकलने से जेएमएम के जो समर्थक हैं उनके पास भी अच्छा संदेश तो बिल्कुल नहीं जा रहा। बिल्कुल, तो अब देखना है कि राज्य की राजनीति में क्या असर इसका होता है, क्योंकि हेमंत सोरेन जेल में है, महागठबंधन अब तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पा रहा है, जेएमएम में टूट नजर आ रही है, लोबिन हेमरन के बगावती तेवर के बाद अब सीता सोरेन भी पार्टी से किनारा करती हुई नजर आ रही है, थोड़ी दिनों पहले बैजनाथ राम भी अलग बगावती तेवर अपना रहे थे। तो क्या वाकई इतना मुश्किल है हेमंत सोरेन के जेल में रहते? ये कल्पना सोरेन के लिए भी बड़ी चुनौती है। शिवू सोरेन की उम्र हो चुकी है, क्या वो इस उम्र में इस कंडीशन में अभी अपने स्वास्थ्य कारणों से है कि वो पार्टी को एकजुट रख सके, और यही वजह है कि पार्टी इस तरह, पार्टी के जो नेता है वो बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। सोरेन का जेल जाना जेएमएम के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि नेतृत्व उनके पास था और वो सभी को स्वीकार्य था। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि नेतृत्व तो किसी एक न एक के पास होता ही है, लेकिन उसकी स्वीकार्यता कितनी है या कितने प्रतिशत है। तो आप देखेंगे कि जब तक हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, पार्टी की बागडोर उनके हाथ में थी, तो सभी कार्यकर्ताओं को उन पर एक विश्वास था और विरोध के स्वर उतने मुखर नहीं थे या खुलकर कोई भी कुछ बातें सामने नहीं आती थी, वो इन सारी चीजों को मैनेज कर लेते थे। अब चूंकि हेमंत सोरेन जो है वो जेल में है, तो इस वजह से एक खालीपन जो नेतृत्व का होता है वो जेएमएम के साथ आ गया है, और वहां पर जो है किसी एक की स्वीकार्यता उस तरह की रही नहीं, ऐसा मुझे दिखता है। और यही वजह है कि जो सीता सोरेन, देखिए, काफी समय से नाराज चल रही थी, लेकिन जब तक हेमंत सोरेन थे वो पार्टी के साथ बनी रही, बीच बीच में उनके बयान जो है कभी कभी इस तरह के आते थे जो सरकार या पार्टी के अनुकूल ना हो, लेकिन वो पार्टी के साथ बनी रही। लेकिन अब जबकि हेमंत सोरेन नहीं है, तो अब जो एक वो गैप आया है उसे कौन भरेगा? चूंकि देखिए, हेमंत सोरेन एक बड़े नेता थे और उन्होंने जो है अपना कद बढ़ाया था, खास करके इस बार वो जब से मुख्यमंत्री बने थे इस 2019 में, और उसके बाद से उन्होंने अपना कद जो है लगातार बढ़ाया, न सिर्फ राज्य स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने अपनी पहचान जो है वो बना ली थी, और जो एक विपक्ष के नेता के तौर पर केंद्रीय स्तर पर भाजपा विरोधी नेता के तौर पर उन्होंने अपनी एक छवि जो है वो गढ़ ली थी, वो बन चुकी थी और लोगों को उसकी स्वीकार्यता भी मिल गई थी। लेकिन अब उनके चले जाने के बाद जब चूंकि वो जेल जा चुके हैं, तो वहां पर जो है वो जो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है, उस जगह को भरना किसी के लिए भी आसान नहीं है, और वो भी इतनी जल्दी। तो इस परिस्थिति में जो है सभी को साथ लेकर चलना, क्योंकि अगर कोई बड़ा और स्थापित नेता होता है, जब वो किसी से कोई बात कहता है तो उसका एक वजन होता है, उसकी बातों पर जो है सामने वाला विश्वास करता है, तो अब उस कद का कोई नेता नहीं है, तो इसका नुकसान जेएमएम को सबसे ज्यादा उठाना पड़ रहा है। और देखिए कि जब हेमंत सोरेन जो है जेल चले गए हैं और अब वो जगह पर कोई नहीं है, तो अब सीता सोरेन का भी ये बड़ा फैसला
समाचार आ गया है कि वो पार्टी छोड़ रही हैं और उन्होंने पार्टी छोड़ भी दिया है और बहुत आरोप लगाते हुए उन्होंने पार्टी छोड़ी है और अपने परिवार की उपेक्षा तक का आरोप उन्होंने लगाया है पार्टी और परिवार के द्वारा। तो ये जो है एक बड़ा आरोप है। तो आप ये कह सकती हैं कि हेमंत सोरेन के जेल चले जाने से नुकसान जो है वो जेएमएम को बहुत हो गया है। वाकई ये नुकसान है और इसका इसकी भरपाई महागठबंधन कैसे करेगी ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। क्या इसकी भरपाई लोकसभा के जो कैंडिडेट होंगे, जो प्रत्याशी होंगे महागठबंधन के, उनके नाम पर इसकी भरपाई का असर दिखेगा? रंजन जी, क्या चाहेगी महागठबंधन की अब जो जेएमएम के नाराज चेहरे हैं उन्हें कम से कम लोकसभा में मौका दिया जाए या ऐसे चेहरों को लाया जाए जिससे वोटर्स एकजुट रहे, वोटर्स में बिखराव ना हो? देखिए, इसमें जेएमएम की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण है महागठबंधन की तुलना में, क्योंकि इंडी गठबंधन तो सिर्फ सीटों का बंटवारा कर सकता है और जेएमएम को सीटें अलॉट कर सकता है कि आप इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन सीटों पर कौन चुनाव लड़ेंगे ये तय करना जेएमएम का काम है। तो अब जो जेएमएम का नेतृत्व है, जो वर्तमान नेतृत्व है, वो किन्हें चुनता है ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और ये भी सवाल है कि उन्हें चुनता कौन है और जब वो चुनते हैं तो क्या वो सभी को स्वीकार्य होता है या नहीं होता है। ये बहुत सारी चीजें जो है वो अब जेएमएम के सामने चुनौती के रूप में खड़ा है। क्योंकि देखिए, अगर यही हेमंत सोरेन होते तो अगर वो किसी को कैंडिडेट बना देते तो सभी के सभी तुरंत एक बात पर जो है वो सहमत हो जाते और वो सहमति आ जाती और सभी मिलकर उन्हें चुनाव लड़ाते। लेकिन अब जबकि एक सीट पर कई दावेदार होते हैं और कोई उस तरह का नेतृत्व हेमंत सोरेन के जैसा नेतृत्व सामने नहीं है, तो उसमें सभी को कन्विंस कर पाना भी एक बड़ी चुनौती है जो वर्तमान नेतृत्व है। और मुझे लगता है कि उसे बहुत सूझबूझ के साथ और बहुत संतुलन बिठाते हुए जो है पार्टी के उम्मीदवारों का चयन करना होगा लोकसभा चुनाव के लिए। चलिए, तो लोकसभा चुनाव एक बड़ी चुनौती अब महागठबंधन के लिए साबित होगी। हालांकि सीता सोरेन के इस्तीफे के बाद से सरकार की सेहत पर, झारखंड सरकार की सेहत पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन महागठबंधन पर असर पड़ सकता है क्योंकि आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और उससे पहले लोकसभा का चुनाव है। तो क्या लोकसभा चुनाव में भी संताल में इसका असर देखने को मिल सकता है? ऐसे में ये महागठबंधन के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है? अब इसे देखते हुए महागठबंधन किस तरह से अपने कैंडिडेटों के नाम पर विचार विमर्श कर सकता है? क्या आने वाले दिनों में जेएमएम को एकजुट रखना ही हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की लगातार न्यूज बाइस्कोप कोशिश कर रहा है। आप देखते रहिए तमाम अपडेट के लिए न्यूज बाइस्कोप। आईआईटी जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।